कर्मों का विज्ञता हम सबको अच्छी तरह से। अभी आपको एक सूक्ष्म बात को बताता हूं, हम सभी इस दुनिया को बिगड़ने में भागीदार समझते हैं। कौन कौन इस दुनिया बिगड़ने में भागीदार समझते हैं? इस दुनिया बिगड़ने में कभी भागीदार नहीं बना, नहीं बना, ऐसे ही कलयुग बनते हैं। हम सभी भागीदार हैं नहीं, इसीलिए बाबा हमको ही पकड़ा। क्यों बाबा हमको ही पकड़ा? कईयों को ज्ञान आने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं होता, किसी ना किसी रीति से, किसी ना किसी रीति से बाबा के बन जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कलयुग बनने में हम सभी भागीदार। कैसा होता है दुनिया खराब, कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं। हम सब इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, जैसे आपको बोला शरीर में आ गया तो पांच तत्वों से कनेक्शन। कोई भी एक संकल्प, संकल्प मतलब क्या है? एक पावरफुल सोच या कमजोरी सोच। वो सोच से पहला कौन डिस्टर्ब होता है? आपका सोच का क्वालिटी अच्छा नहीं हो तो कौन डिस्टर्ब होता है? फीलिंग, वो फीलिंग शरीर पर प्रभाव पड़ता ही नहीं पड़ता है। जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसका इफेक्ट आपके रिश्तेदारों पर पड़ता ही नहीं पड़ता है। वो रिश्तेदारों का इफेक्ट वायुमंडल पर पड़ता ही नहीं पड़ता है। वो वायुमंडल का इफेक्ट समाज पर पड़ता ही नहीं पड़ता है। वो समाज का इफेक्ट इस ब्रह्मांड पर भी पड़ता है। जैसे आप एक पत्थर में, कोई एक तालाब में ऐसे डालो तो उसके पूरा स्पेस में एक तरह का रिपल्स क्रिएट होता है, होता ही नहीं होता है? ऐसे ही हमारा सोच, पहले हमारा फीलिंग पर पड़ता है, फिर शरीर पर पड़ता है, फिर संबंधों पर पड़ता है, फिर वायुमंडल पड़ता है, फिर पूरा ब्रह्मांड पर। आप सबको भी आज एक कैलकुलेशन देता हूं, फिर आपको योग का प्रयोग सिखाता हूं। हम सभी रोज में कितना सोच सोचते मालूम है? हर एक व्यक्ति, हमारा माइंड एक फैक्ट्री की तरह प्रोडक्शन करता रहता है। एक एक व्यक्ति 40 to 45,000 थॉट्स, 40,000 या 45,000, क्या बोलते हैं हिंदी में, 45,000 के सोच हर एक के मन में रोज 24 घंटे में होता है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे किसी को भी फीवर आता है तो अगर 98 डिग्री है तो क्या बोलता है? नॉर्मल। अगर 900 हो गए तो क्या बोलता है? हाई फीवर। 98 से नीचे आ गए तो क्या बोलता है? लो फीवर। ऐसे बोलता है ना, बोलता है ना। तो अगर 45,000 सोच एक दिन में होता है तो एक मिनट में, यानी एक मिनट में कितना सोच हो सकता है? 25 to 30 thoughts per minute. 1 minute को कितना सोच हो सकता है? 25 to 30. अभी आप सोचो, हर एक के मन में इतना दिमिस से केवल 25-30 के सोच हो रहा है, इससे भी ज्यादा हो रहा है, इससे भी ज्यादा हो रहा है या इतना ही नॉर्मल में है? आपको बारे बजे आपका बच्चा बोला था कि मैं 10 बजे को आ जाऊंगा, 11 बज गए हैं, थोड़ा थोड़ा आपका मोटर ज्यादा चलने लगा, 12 हो गया और भी मोटर का स्पीड बढ़ गया, और 1 घंटा हो गया तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या क्या सोच मन में आता है? अच्छे सोच आता है? हाँ हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई पकड़ के मार दिया होगा, उसका हालत क्या हुआ होगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, क्या 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 आता है? क्यों? सारे दिन में क्या देखने में लोग लगे रहते हैं?
न्यूज़पेपर्स, अब दिन का भविष्य और सभी कहाँ जाओ वहां कौन सी बताते रहते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसका ये प्रॉब्लम हो गया, उसका ये प्रॉब्लम हो गया, उसका लड़का भाग गया, इसका लड़की बिगड़ गया, ऐसे बातें सुनते 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 मन को क्या ट्रेनिंग हो गया, ज्यादा सोचने का। कभी उनमें सबसे बड़ा बीमारी क्या है पता है, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग। कलयुग में चार बड़े से बड़ा बीमारी क्या है, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग। अभी देखते हैं, जब व्यक्ति के मन 25 से 30 सोच सोचता है नॉर्मल, उसका मन का गति 30 से 50 तक टेंशन माइंड। अगर उसका मन का गति 50 से 70 तक आ गया, 70 तक आ गया, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। कौन सा टेंशन, हाइपर। उसको प्रकृति एक गिफ्ट देता है, क्या गिफ्ट देता है, डायबिटीज और थायराइड, ऐसे प्रॉब्लम होता है। इसका मन का गति 70 से भी ज्यादा 90 तक आ गया पर मिनट, तो क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस मना, क्या होता है, पूरा दबाव आ जाता है। और उससे भी ज्यादा ग्रेटर देन 90 सेंचुरी तक आ गया एक मिनट में, 60 सेकेंड, क्या बोलता है, 60 सेकेंड्स में मन का रेट 100 कॉर्स चलता है, तो सोचो वो डिप्रेशन के बीमारी है। इसीलिए इंडिया में एक अभी रिसर्च हुआ है, 4 में 1 को डिप्रेशन, 4 में 1 को डिप्रेशन है। अभी इंडिया आगे चलकर रैंक में फर्स्ट रैंक आने वाला है, इसमें कुछ है सब। बाबा ने मुरली में बोला है, कॉन्टेक्ट मुरली में, बच्चे ऐसे दिन आएगा, सभी सोचो, सभी देखो, बच्चे ऐसे दिन आएगा सारी दुनिया मेडिकल हॉस्पिटल हो जाएगा, सारी दुनिया कौन सा हॉस्पिटल हो जाएगा, मेडिकल हॉस्पिटल। तो सभी डॉक्टर कौन बनेंगे, हम बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, मैं बोलो इसमें, इसमें क्या बोल रहा है, नहीं बोलूंगा कभी। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, आप दूसरों का बीमारी को ठीक करने वाला बना है तो पहले आपका सोच का गति को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। अगर किसी का 100 से भी ज्यादा हो गया तो बहुत जल्दी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो एम्बुलेंस को बुलाना, इसको बुलाना पड़ता है। अभी मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ, कोई कैलकुलेटर है तो वैसे भी करो। अभी इस संसार का, इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन बाबा कितना बोला है, 750 करोड़, 700 करोड़, 700 या 750 करोड़, हम लोग 700 करोड़ लेंगे, 700। अभी मुझे बताओ इस संसार का पॉपुलेशन 700 करोड़ है तो हम नॉर्मल फिगर हर एक का सोच 30 थॉट्स पर मिनट लेंगे, तो 700 × 30 कितना करोड़ संकल्प क्रिएट होता है एक मिनट के लिए, 21,000 करोड़ संकल्प क्रिएट होता है। ये कब का बात है, ये कब का बात है, 100-200 वर्ष के पहले। अभी अभी प्रेजेंट टाइम में सबका दिमाग ज्यादा चलता है ना, छोटे बच्चों के सिर पे जाकर के ऐसे एक बार हाथ रख के देखो, बहुत गर्म लगता है, क्यों, बहुत सोचता है, ऑडियन ज्यादा है, वो सब लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, बुद्धि बहुत सोचता है, बिकॉज चारों तरफ कौन सा वायुमंडल क्रिएट हो गया है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव का ग्रहण होता है। अभी आप बताओ, अगर अभी के कैलकुलेशन अनुसार 700 करोड़ लोगों का मन का गति पर मिनट हम
90 लिया, पर मिनट 90 लिया तो कितना होता है, कितना होता है 63 करोड़ संकल्पों का शक्ति। इस ब्रह्मांड पर, इस ब्रह्मांड पर एक दिन में कितना, मैंने बोला एक मिनट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए 63,000 करोड़ों का संकल्प एक मिनट को होता है, तो 24 आवर्स के लिए आप कैलकुलेट किया तो कितना होता है, 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट किया तो कितना होता है, 15 लाख 15,02,00,000 करोड़, इतना शक्ति इस ब्रह्मांड पर पड़ रहा है। तो इसमें आप ही सोचो, दुनिया में अधिकतर लोग पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव। तो कितने जने पॉजिटिव सोचता है, 98% दुनिया के हिसाब से नेगेटिव सोचते हैं, 2% लोग ही पॉजिटिव सोचते हैं, 2% लोग ही पॉजिटिव। मैं आपको पूरा ग्लोब के हिसाब से बोल रहा हूं, केवल बीके को लेकर के नहीं, पूरा ग्लोब, पूरा ग्लोब में 2% में कौन कौन आ जाएगा, जो भगवान के धर्म के कार्यों में रहने वाला आध्यात्मिक लोग, जो बाबा के बच्चे होते हैं, वो जो इस समाज को कुछ करने का एक प्रतिज्ञा किए होते हैं, मठ पंथ कोई भी धर्म का हो सकता है, वो लोग, वो सब 2% में आ जाते हैं। अभी आप अपने से एक प्रश्न किए जाए, क्या इस 2% में मेरी, ये 2% में मेरा नंबर है, मेरा नंबर इसमें है,